चैनल पे आएगा क्योंकि क्लीन नहीं हो रहा ना पेज हमारा। तो ये दो तीन भी खींच रहा है, तो तीन खींच रहे हो तो इसके पिकअप फेलियर में इशू होता है, और दूसरा दो तीन भी साथ खींच लिए और साथ ही ये जो है ये पेपर को क्लीन नहीं कर रहा ज़्यादा। ये देखें आप, इसकी क्लीनिंग ब्लेड का इशू है, ठीक है। और ये दो तीन जो खींच रही है इसकी टाइमिंग आउट है, टाइमिंग आउट का हम बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ये पेज को क्लीन ही नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब है इसका क्लीनिंग ब्लेड का मसला है। अच्छा, चले जैसा कि आप काउंटर पे भी देख सकते हैं ये ड्रम के ऊपर बिल्कुल ड्रम भी क्लीन नहीं हो रहा, क्योंकि इसके पीछे क्लीनिंग ब्लेड का मसला है। ये देखें, इसे ऐसा होना चाहिए पर ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम इसे खोलेंगे, इधर से उतार दें इसको, दो साइड में लगे होते हैं आपके, उतार दें, ठीक है। फिर ये ड्रम को आप बिल्कुल आराम से करेंगे तो ये ड्रम हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे करें, ऊपर आ गया, इसको निकाल लें, ठीक है। अभी ये इसके साथ आप ये करें, ये पेन बाहर आ गई, ये देखें ये जैसे फिर हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। अभी हमारी दूसरी पेन रह जाएगी, ठीक है। इसको हमने ये पकड़ा और ये निकल गई, ठीक है। ये आगे तक गई हुई है, हम इसके लिए आसान तरीका ये करेंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे और इसको यहाँ से इधर खींच लीजिए, ये अब खुल गया, ठीक है। अब ये जो हमारी पेन है ये यहाँ पर है, अब हम यहाँ से इसको पुश करके बाहर निकाल लेंगे। ये हमारी पेन ये जिस निकल रही है, ठीक है। ये हमारा क्लीनिंग ब्लेड है, हम इसको चेंज करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए, ये हमारे दो पेज लगे होते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैक हुआ है, इस वजह से ये पेपर को क्लीन नहीं कर रहा। इसको हम खोल लेंगे, दो पेज हैं हमारे, एक ये खोल लिया है तो दूसरा ये खोल लिया हमने, ठीक है। इसको सीधा पिचकस ले लें या आज के साथ भी आप आराम से फिर उठा लें, ये अपना निकला है, ठीक है। ये पुराने अभी हम नया डालने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें, गिरा दिया है, अभी हम ये नया लगा रहे हैं, देखें बिल्कुल क्लीन है, ठीक है। अब ये दो पेज हैं, ऐसे ही दो पेज लगा लें, ठीक है। दूसरा आप इधर लगा लें, ठीक है। इसके बाद हमारा पीसीआर आ जाता है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ से साफ कर लें, क्योंकि इसके पर गंजन जो होता है ना वो उतर जाता है। इस पर ये हमारा उतरा हुआ है नीचे से, ये पीसीआर के साथ ही उतर जाता है, तो इसकी भी फिक्र कोई नहीं करनी। ये ऐसे आ गया ना नीचे, ये इसका लॉक सा बना हुआ है, ये लॉक में लग गया है, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये ठीक लग गया है, ठीक है। पीसीआर को ऐसे करें, टक करेगा इसके मतलब लग गया, ठीक है। इसके बाद आप इसे साफ कर लें ड्रम को, ड्रम साफ हो गया। अब हम ड्रम को दोबारा लगा देते हैं, एक तरफ ये पिन लग जाएगी, इस तरफ आपकी ये पिन लग जाएगी, ये बंद हो गया। अब जैसे ही मैं इसे देखें मूव करता हूँ तो अब उस तरह गंध नहीं आ रहा इसके ऊपर, गंध इसीलिए नहीं आ रहा, क्लीनिंग ब्लेड हमारा नहीं है, क्लीन वो हो रहा है, ठीक है। अब इसको बंद करना है, जैसे करें ये बंद हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे लाग के बिल्कुल इधर आ गई है, ये यहाँ से ये पिन लगाई है हमने और इसको ये नीचे कर दिया, ठीक है। और ये इधर भी ऐसे ही देखें, ये जगह इधर आनी चाहिए, ठीक है। वो नीचे से दूसरे को पकड़ लेगा, ये लग गया, ठीक है। अब आप इसे मूव करें, इजीली मूव हो रहा है, अगर मूव नहीं हो रहा तो इट्स मीन आपने सही बंद नहीं किया, कुछ और मसला है, ठीक है। अभी हम दोबारा देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट आती है हमारी, ठीक है।
अभी प्रिंट हमारा नहीं करा है क्योंकि ये ऑनलाइन हो गए, ये ब्लिंकिंग कार्ड है, अभी इसने गियर लगाना भी शुरू कर दिया है। हमारे प्रिंट निकल आए, ठीक है, देखें प्रिंट हमारा बिल्कुल क्लीन हो गया, ठीक है। पुराना प्रिंट हमारा ये था, पुराने को देख लें और आप नए को देख लें, बिल्कुल ये क्लीन हो गया, हो गया। ये पुराने में आप देख लें बहुत ज़्यादा घनशन बना हुआ है, क्लीन ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रही नहीं क्या है कि फिर हमने क्लीनिंग ब्लेड डाला है तो ये फिर अब क्लीन हो गया। आपका क्लीनिंग ब्लेड का मसला होता है।